हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ड्रीम क्लासेस। आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे और प्रश्नावली का सॉल्यूशन करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि प्रधान मान या मुख्य मान, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर मुख्य मान हमारा साइन इनवर्स का होगा, कॉस इनवर्स का होगा, टैन इनवर्स का होगा, कॉट इनवर्स का होगा, सेक इनवर्स का होगा और कॉसेक इनवर्स एक्स का होगा। कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंगल देता है, ये याद रखेंगे। और इसी थीटा कोण का मुख्य मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले मुख्य मान निकालने के लिए हमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का रेंज याद रखना होगा। तो मुख्य मान हमारा एग्जाम में कैसे पूछता है, तो सबसे पहले थीटा बराबर, एग्जाम्पल के तौर पर दे देते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स हाफ, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा और कहेगा इस थीटा का या साइन इनवर्स का हाफ का मुख्य मान निकालें। तो साइन इनवर्स में यहाँ एक्स जो है ये पॉजिटिव है, एक्स संख्यात्मक मान होता है, तो इसे हम जब पॉजिटिव संख्या दिया रहेगा एक्स के जगह पर, तो हम प्रथम पाद यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका हम मुख्य मान निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। थीटा बराबर साइन इनवर्स और ये साइन 30 डिग्री अर्थात पाई बटा 6 रेडियन, और साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हमारा आंसर होगा पाई बटा 6 रेडियन। कोई भी इनवर्स में यदि पॉजिटिव एक्स के स्थान पर दिया रहेगा तो उसे हम प्रथम पाद के अनुसार हल करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस हाफ, जब यहाँ एक्स का मान ऋणात्मक हो, ये सब पॉइंट याद रखेंगे, तो इसे हम चतुर्थ पाद के अनुसार बनाएंगे। चतुर्थ पाद के अनुसार बनाएंगे यानी कि चतुर्थ पाद में सेक और कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक वैल्यू देता है। तो सॉल्यूशन यदि इसका हम निकालेंगे तो सबसे पहले माइनस चिन्ह को बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ। अब हम देखेंगे कि साइन में किसका मान हाफ होता है, तो साइन 30 डिग्री का यानी साइन पाई बटा 6 रेडियन का, और यहाँ साइन पर साइन कैंसिल हो जाएगा और माइनस पाई बटा 6 रेडियन, यही हमारा आंसर होगा। ये तो था इस प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी एग्जाम में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए दूसरे तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
जैसे कि पूछ दे थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इस रूप में कहेगा मुख्य मान निकालें, तो सबसे पहले क्या करना है कि 2π/3 ये एंगल जो है देखेंगे किस पाद में आता है। टू पाई बाई थ्री अर्थात 120 डिग्री, 120 डिग्री यानी कि ये द्वितीय पाद में आएगा। जब द्वितीय पाद में आता है कोई भी कोण, तो इसे हम दो तरह से तोड़ते हैं। पहला पाई माइनस थीटा, दूसरा पाई बाई टू प्लस थीटा। तो यहाँ पर पाई बाई टू प्लस थीटा पर निष्पत्ति बदल जाता है, यानी साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, लेकिन पाई माइनस थीटा यानी कि पाई बाई टू का सम गुणज पर निष्पत्ति नहीं बदलता है, इसलिए हम इसी का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? साइन 2π/3 है, यहाँ पर हर बड़ा है अंश छोटा है, तो हर देखेंगे कितना बड़ा है, तो हर अंश से एक बड़ा है, अर्थात अंश को हर के बराबर करके तोड़ेंगे। ये हो जाएगा साइन 3π-π/3, ये हो जाएगा साइन π-π/3, यानी कि साइन π-θ निष्पत्ति नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा साइन π/3 और द्वितीय पाद में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अब हम इसका हम मुख्य मान निकालेंगे, थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन 2π/3, यानी कि साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा साइन π/3, अर्थात साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा π/3 रेडियन, यही हमारा आंसर होगा। तो ये सब हमें जानना होगा कि द्वितीय पाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को किस प्रकार तोड़ते हैं। तो हम कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, उसके बाद प्रश्नावली का सॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई प्लस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो 3π/2, यहाँ माइनस थीटा होगा जी, 3π/2 प्लस थीटा, और यहाँ होगा 2π-θ। लेकिन हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए पाई बाई टू का सम गुणज का प्रयोग करेंगे। छूट गई, इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग करेंगे। पाई बाई टू प्लस थीटा नहीं प्रयोग करेंगे, 3π/2 - θ नहीं प्रयोग करेंगे और 3π/2 प्लस थीटा नहीं प्रयोग करेंगे, चूँकि इस पर निष्पत्ति बदल जाता है, और जहाँ निष्पत्ति नहीं बदलेगा वहीं पर हम ये पॉइंट्स को याद रखेंगे कि कौन कौन सब पॉइंट्स कैसे यूज करना है।
अब हम प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन निकालते हैं, जो कि मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव है और ये एग्ज़ाम में आता है। एक या दो ऑब्जेक्टिव तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में। प्रश्नावली 2.1 पहला क्वेश्चन है, मुख्य मान निकालें। मुख्य मान निकालने पर ही आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब साइन इनवर्स में एक्स के स्थान पर नेगेटिव संख्या रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाएंगे और माइनस चिन्ह को बाहर कर देंगे। अब हम देखेंगे कि साइन में किसका मान हाफ होता है, तो साइन पाई बटा सिक्स का होता है। अर्थात यहाँ साइन पर साइन कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर होगा माइनस पाई बटा सिक्स रेडियन। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा। दूसरा है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। यहाँ पर x का मान धनात्मक है। जब x का मान धनात्मक होगा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बना लेंगे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट थ्री बाई टू, यानी कि थीटा बराबर होगा पाई बटा सिक्स रेडियन। यही हमारा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स हाफ टू। यहाँ भी कॉसेक इनवर्स में एक्स का मान धनात्मक है, इसे प्रथम पाद के हिसाब से बनाएंगे, कॉसेक इनवर्स ये हो जाएगा कॉसेक पाई बटा सिक्स, अर्थात थीटा बराबर पाई बटा सिक्स। यही हमारा आंसर होगा। हम आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, थीटा बराबर है टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री। यहाँ भी टैन इनवर्स नेगेटिव में है तो इसे हम चतुर्थ पाद के हिसाब से बनाएंगे, और माइनस चिन्ह को बाहर कर देंगे। अब हम देखेंगे कि टैन में किसका मान प्रथम पाद के हिसाब से रूट थ्री होता है, तो टैन 60 डिग्री यानी कि थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा ये आंसर। पांचवा नंबर है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस हाफ। इसे भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से कॉस इनवर्स में साइन इनवर्स टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में माइनस रहेगा, तो माइनस को डायरेक्ट बाहर कर लेंगे, लेकिन कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स में माइनस रहेगा तो माइनस चिन्ह को हटाने के लिए इसे हम पाई में घटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री यानी पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बटा थ्री, ये हो जाएगा 2π/3। यही हमारा आंसर होगा।
छठा नंबर क्वेश्चन है, थीटा बराबर टेन इनवर्स माइनस वन। तो यहाँ भी फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाएंगे तो माइनस चिन्ह को बाहर कर देंगे, और यहाँ टेन में देखेंगे किसका मान वन होता है, तो टेन पाई बटा फोर अर्थात थीटा बराबर माइनस पाई बटा फोर, यही हमारा आंसर होगा जो कि रेडियन में होगा। अब हम आगे सॉल्यूशन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, थीटा बराबर है सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री। तो यहाँ सेक इनवर्स एक्स के स्थान पर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव मान है, तो प्रथम पाद के हिसाब से बनाएंगे, थीटा बराबर सेक इनवर्स ये हो जाएगा सेक पाई बटा सिक्स, और थीटा बराबर पाई बटा सिक्स रेडियन, यही हमारा मुख्य मान होगा। आठ नंबर क्वेश्चन में थीटा बराबर कॉट इनवर्स रूट थ्री, यहाँ भी पॉजिटिव है, इसे भी हम प्रथम पाद के हिसाब से बनाएंगे, थीटा बराबर कॉट इनवर्स ये हो जाएगा कॉट पाई बटा सिक्स, यानी कि थीटा बराबर पाई बटा सिक्स रेडियन, यही हमारा आंसर होगा। नाइन नंबर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू। तो यहाँ नेगेटिव है, इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाएं, अर्थात नेगेटिव चिन्ह हटाने के लिए इसे हम पाई में घटा देंगे, और देखेंगे कि कॉस में किसका मान वन बाय रूट टू होता है। यहाँ हो जाएगा पाई माइनस पाई बटा फोर, ये हो जाएगा थ्री पाई बटा फोर रेडियन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से देख ले और समझे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, थीटा बराबर है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू। यहाँ नेगेटिव चिन्ह है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से बनेगा, माइनस चिन्ह को बाहर कर देंगे, और देखेंगे कि रूट टू कौशेक में किसका वैल्यू होता है, ये हो जाएगा कौशेक पाई बटा फोर अर्थात थीटा बराबर माइनस पाई बटा फोर रेडियन, यही हमारा आंसर होगा। ये 1 to 10 मुख्य मान निकालने पर आधारित प्रश्न था। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक मान निकालना है। कहता है 11 नंबर क्वेश्चन कि टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये पाई बाई टू हो जाएगा, और इसका वैल्यू होगा पाई बटा फोर, तो वैल्यू जो हो जाएगा थीटा का पाई बटा फोर और प्लस पाई बाई टू, एलसीएम लीजिएगा तो फोर यहाँ पाई और प्लस हो जाएगा टू पाई, यानी थ्री पाई बटा फोर आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, पहले इसे देख ले और समझे। ये हमने डायरेक्ट कर दिया है, चूँकि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है और टेन पाई बटा फोर का मान 1 होता है, तो टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई बटा फोर बचेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, प्रथम पाद के हिसाब से ये बना लेंगे, ये हो जाएगा कॉस पाई बटा 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन पाई बटा 6। तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई बटा 3 और प्लस 2 इंटू पाई बटा 6, ये कट जाएगा और पाई बटा 3 और प्लस पाई बटा 3, ये हो जाएगा 2 पाई बटा 3 रेडियन, यही हमारा आंसर होगा। अब आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहता है बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो बाई बराबर भाट, यानी बाई का मान क्या होगा, तो साइन इनवर्स का हम रेंज लिखेंगे, यानी बाई का मान जो होगा माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है, यही हमारा आंसर होगा, अर्थात आंसर नंबर बी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 14 नंबर है और ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि टैन इनवर्स रूट 3 और माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, इसका ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं सॉल्यूशन में। ये टैन इनवर्स रूट 3 यानी कि टैन पाई बटा 6 और माइनस सेक इनवर्स में माइनस है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये हो जाएगा पाई बटा 6 माइनस हो गया पाई और माइनस सेक इनवर्स, और ये हो जाएगा सेक पाई बटा 3, ये हो जाएगा पाई बटा 6 माइनस, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बटा 3 अर्थात पाई बटा 6 और माइनस, ये हो जाएगा 2 पाई बटा 3, और यदि एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा पाई माइनस 4 पाई अर्थात माइनस 3 पाई बटा 6, यानी इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2। पाई माइनस 3, यहाँ पे भी होगा पाई बटा 3 और यहाँ पे पाई बाई 3, ये हो जाएगा पाई बाई 3, ये हो जाएगा माइनस पाई बटा 3, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया था, टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3, यही हमारा आंसर होगा।